हम हैं नया IBN 7 हौसला है। तो इंडिया 9 बजे की शुरुआत करते हैं शब्दों के जादूगर से। जी हां, बुलेटिन की शुरुआत मोदी भाई MBBS से। मोदी ने आज डॉक्टरों को अनोखा ज्ञान दिया, सबक दी, सीख दी। जी हां, मोदी आज दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में चीफ गेस्ट बने थे। मौका था छात्रों के कॉन्वोकेशन का और मेडिकल के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातें कही। अपने दिलचस्प अंदाज में उन्होंने डॉक्टरों को समझाया, अपने अलग रंग भी दिखे। देखिए उनके भाषण की कुछ खास बातें जो वाकई में दिल को छू जाती हैं। विद्यार्थी जब एग्जाम होती है तो उस हफ्ते बड़ा ही टेंशन में रहता है, बहुत ही गंभीर रहता है, खाना भी जमता नहीं और बड़े तनाव में रहता है। लेकिन आज एक प्रकार से उस सारी झंझटों से मुक्ति का पर्व है। और आप इतने गंभीर क्यों हैं? मैं कब से देख रहा था कि क्या कारण है भाई, ये इतना क्या मिश्रा जी, क्या कारण है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में अपनी बातों से कई बार एम्स प्रशासन को भी बगले झांकने के लिए मजबूर कर दिया। बातों ही बातों में उन्होंने मेडिकल छात्रों और एम्स प्रशासन से पूछ लिया कि आखिर उन्हें क्यों बुलाया गया समारोह में, क्यों कहा उन्होंने ऐसा, आइए सुनते हैं। क्या कभी हम इस कॉन्वोकेशन में एक स्पेशल गेस्ट की परंपरा खड़ी कर सकते हैं क्या? और स्पेशल गेस्ट का मेरा मतलब है कि गरीब बस्ती में जो स्कूल्स हैं, गरीब परिवार के बच्चे जहां पढ़ते हैं, ऐसे एक सिलेक्टेड 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे 30, 40, 50 जो भी आपकी कैपेसिटी हो, उनको ये कॉन्वोकेशन में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जाए, बिठाया जाए और वो देखे ये दुनिया क्या है। जो काम शायद उसका एक टीचर नहीं कर पाएगा, उस बालक मन में एक घंटे डेढ़ घंटे का ये अवसर उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करेगा, उसके मन में भी सपने जगाएगा, उसको भी लगेगा कभी मेरी जिंदगी में ये अवसर आए। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा इसका इंपैक्ट हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों को न सिर्फ पेशेवर नसीहतें दी बल्कि उन्हें मानवीय मूल्यों का महत्व भी समझाने की कोशिश की। उन्हें यह बताने की कोशिश की असल में डॉक्टरी सिर्फ मरीज को दवाई देकर छुट्टी पाने में नहीं है, उसे सही मायनों में मरीज के साथ नाता जोड़ना चाहिए। कुछ डॉक्टर होते हैं जो बीमारी के संबंध में बहुत फोकस होते हैं और इतनी गहराई से उस चीजों को हैंडल करते हैं और उनके प्रोफेशन में उनकी बड़ी तारीफ होती है। भाई देखिए, इस विषय में तो इन्हीं को पूछिए, कंसल्ट करना है तो उनको पूछिए। लेकिन कभी कभार उसकी एक सीमा आ जाती है। दूसरे प्रकार के डॉक्टर होते हैं, वे बीमारी से ज्यादा बीमार के साथ जुड़ते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। बीमारी से जुड़ने वाला बहुत फोकस एक्टिविटी करके बीमारी को ट्रीट करता है, लेकिन वो डॉक्टर जो बीमार से जुड़ता है वो उसके भीतर बीमारी से लड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत पैदा कर देता है।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर चाय और चाय वाले का जिक्र किया, लेकिन इस बार ये उनके खुद के बारे में नहीं था। असल में चाय वाले के उदाहरण से वो मेडिकल के छात्रों को लोगों की भावनाओं से जुड़ने की नसीहत दे रहे थे। एग्जाम के दिन रहे होंगे, थकान महसूस हुई होगी, रात को 12 बजे पढ़ते पढ़ते कमरे से बाहर निकले होंगे, ठंड की मौसम होगी और एक पेड़ के नीचे कोई चाय बेचने वाला बैठा होगा, आपका मन करता होगा चाय मिल जाए तो अच्छा होगा, रात भर पढ़ना है, और उस ठंडी रात में सोए हुए उस पेड़ के नीचे सोए हुए चाय बेचने वाले को आपने जगाया होगा, यार चाय पिला दे यार, और उसने अपना चेहरा बिगाड़े बिना, आप डॉक्टर बने इसलिए, आपके एग्जाम अच्छी जाए इसलिए, ठंड में भी जग करके कहीं से दूध ला करके आपको चाय पिलाई होगी, तब जाकर के आपकी जिंदगी की सफलता का आरंभ हुआ होगा। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी नसीहतें आज डॉक्टरों को दे रहे थे। गंभीर और बड़ी बीमारियों के लिए दवाइयां विदेश से मंगानी पड़ती हैं। देश में मेडिकल रिसर्च एजेंसियों की बड़ी कमी है, बड़ी बीमारियों की देसी दवाइयां मिलना बेहद मुश्किल है। मोदी ने चिंता जताते हुए डॉक्टरों से यह सवाल पूछा कि आखिरकार वो रिसर्च क्यों नहीं करते। हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग अमेरिका के अंदर उनका बड़ा दबदबा है, सामान्य दुनिया के कई देश रहते हैं कि गंभीर से गंभीर बीमारी हो अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हो, लेकिन जब तक हो हिंदुस्तानी डॉक्टर का चेहरा नहीं देखता है तब तक उसका विश्वास नहीं बढ़ता है। ये हमने अचीव किया, बाय लार्ज हर पेशेंट विश्व में जहां जहां भी उसको परिचय आया तो चाहता नहीं यार आप तो हैं लेकिन उनको जरा बुला लीजिए, ये एक छोटी बात नहीं है। लेकिन लेकिन हम रिसर्च के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, और रिसर्च के क्षेत्र के में ये आवश्यक है कि हम केस हिस्ट्री के प्रति ज्यादा कॉन्शियस बने, हम पेशेंट की हर चीज को बारीकी से लिखते रहे, एनालिसिस करते रहे, 10 पेशेंट को देखते रहे, हो सकता है धीरे 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 2-4 साल के आपके इस मेहनत का परिणाम ये आएगा कि आप मानव जात के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हो सकता है आप में से कोई मेडिकल साइंस का रिसर्च सेंटर साइंटिस्ट बन सकता है। तो देखा आपने मोदी मैजिक, डॉक्टरों को कितनी सरलता के साथ समाज से जुड़ने की बातें कह